हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग एकदम फिट फाइन और तैयार है ना? तो यस दोस्तों, आप लोगों को मैं ऐसा बताऊंगा जो आईएससी 12th क्लास में पूछ ही लिया जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव दो नंबर वाला में पूछे, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा, एकदम परफेक्ट पूछेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए इसको आप लोग कहिए कि मैं देख करके बता देता हूँ, ऐसे भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन लिख दिया इसलिए कि आप लोग भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है, ठीक है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को जो है एमीटर के ठीक उल्टा होता है वोल्ट मीटर। तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं तेजी में। तो ध्यान दीजिए, एमीटर किसी विद्युत परिपथ धारा की प्रवलता को एमीटर एम्पियर में मापता है, यानी कि किसी परिपथ में जब धारा प्रवाहित होता है तो एमीटर जो है उसको एम्पियर में मापता है, इसलिए धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्ट में मापता है, यानी कि वोल्ट मीटर जो है कोई विद्युत परिपथ है उससे जो मतलब विभवांतर उत्पन्न होता है दो बिंदुओं के बीच में उसको वोल्ट में मापता है, यानी कि विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट हो गया। विद्युत वाहक बल का भी ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, समझ रहे? अब विद्युत विभव का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। आप लोग केवल मेरा बात सुनिएगा तो आप लोगों को सब याद हो जाएगा, समझ रहे? आगे देखिए, इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है, ठीक है, यानी कि एम्पियर में मापा जाता है। इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है, यानी कि वोल्ट में मापा जाता है। यह एक गैल्वेनोमीटर है जिसके समांतर क्रम में कम मान का एक प्रतिरोध समांतर क्रम में या शंट लगा होता है, जिससे इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत कम हो। जिस देखिए किस तरह से रहेगा, मान लिया जाए कि यह एक परिपथ हम लोग बना लेते हैं और यह क्या हो गया, एमीटर हो गया। तो एमीटर के यह जो है एक परिपथ अगर हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, तो यहां पर जो है मान लिया जाए इस तरह से बना लेते हैं चाहे किसी भी तरह से, तो उस परिपथ में यहां पर जो है एक गैल्वेनोमीटर जी लगा देते हैं, ये समांतर क्रम में हो गया। जबकि ये यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिए तो श्रेणी क्रम में हो गया, तो कहेगा कि इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया गया है। जबकि इसमें देखिए ध्यान से, यह एक गैल्वेनोमीटर है, दोनों गैल्वेनोमीटर है जिसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम यहाँ पर जो है उच्च मान का जो हम लोग प्रतिरोध लगाए हैं जिससे इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए एक और बात मैं बताना चाहता हूं, इसे विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को, इसको क्या चीज में, विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोगों को इसमें कहीं पर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आप लोगों से आशा है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, समझ रहे हैं, आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं कहता हूँ, ये आईएससी का स्पेशल स्टडी सिलेबस का सदस्य आप लोग जरूर बन जाए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आप लोगों के पास मैं जैसे ही वीडियो छोड़ू नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर समझ में करते हैं। हाँ, जय हिंद, जय भारत।